तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है संजय पांडे क्लासेस में, और मेरा नाम है शैलेंद्र द्विवेदी। आई टीच फिजिक्स फॉर 11th and 12th, फाउंडेशन जेई मेंस फॉर 11th 12th एंड नीट आल्सो। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और ये फर्स्ट लेक्चर है सेकंड चैप्टर का, स्टार्टअप है आज से, ठीक है। और यहाँ से आप लोग मन लगा के पढ़िए अच्छे से। जो इसके पहले का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, बिल्कुल बेस है और उसके कुछ कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में यूज़ होंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, क्लास 10th में भी आप कुछ पढ़े होंगे पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे पोटेंशियल होता क्या है। पोटेंशियल होता क्या है, जनरली पोटेंशियल आप जानते हो कि पोटेंशियल का मतलब होता है एक कैपेसिटी। पोटेंशियल का मतलब सीधा सीधा कैपेसिटी होता है, और कैपेसिटेंस का भी मतलब कैपेसिटी ही है। ये वो पोटेंशियल है जो कि आपके लेवल को डिसाइड करता है। किसको डिसाइड करता है? लेवल को। जैसे एग्जांपल हम अगर बात करें कि ये आपका एक कोई हाइट है, ठीक है, और एक दूसरी हाइट है, और मैंने क्या किया है यहाँ से एक इंक्लाइंड कर दिया है, एक लेवल लगा करके। कोई मान लो कि जैसे हम यहाँ पे कोई इंक्लाइंड प्लेन लगा देते हैं, एक प्लेन हमने यहाँ रख दिया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वाटरफॉल करेंगे, थोड़ा सा वाटर, क्या वाटर, अगर यहाँ से आप पानी गिराएंगे तो ये पानी ये ऊंचाई से गहराई की तरफ क्या करेगा? फ्लो करेगा, सही बात है ना। मतलब हाइट से डेप्थ की तरफ फ्लो करेगा। अगर वही पानी यहाँ गिरा दें हम, तो क्या ये डेप्थ से हाइट की तरफ फ्लो करेगा, गहराई से ऊंचाई की तरफ फ्लो करेगा? तब पानी फ्लो नहीं करेगा। पानी फ्लो कब करेगा? जब एक हाइट बड़ा हो, दूसरी हाइट छोटा हो। अच्छा, अगर हाइट सेम रख दे तब क्या होगा? यहाँ हाइट सेम है, अब बताइए अगर आपने कुछ पानी यहाँ गिराया तो ये बहुत कहते थोड़ा बहुत अगल बगल फैल जाएगा, इतना होगा ना, ये थोड़ा सा अगल बगल यहाँ पे फैल जाएगा, बट ये यहाँ से इधर या इधर फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि लेवल क्या है? सेम है ना। ऐसे ही कोई एक हॉट बॉडी है, क्या है? हॉट बॉडी है, ठीक है, और एक कोल्ड बॉडी है, दोनों को आपस से हम क्या करें? सटा दें, है ना, कॉन्टेक्ट मिला दें, दोनों सटा करके रख देते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं दोनों का टेम्परेचर क्या होता है? इक्वल हो जाता है, ना कोई हॉट है ना कोई कोल्ड है, ये कोल्ड था पहले। तो हुआ क्या, यहाँ से हीट का ट्रांसफर हुआ किधर से किधर? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तरफ। क्या यहाँ से इधर हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता? तो यहाँ हीट का ट्रांसफर हो रहा है इसलिए क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस है। अच्छा, हीट का फ्लो किधर से किधर हो रहा है? हाई से लो टेम्परेचर की तरफ। यहाँ भी पानी का फ्लो हाई से लो लेवल की तरफ हो रहा है ना। तो ऐसे ही चार्ज जो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके पहले वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर फ्लो करे तो वो कैसे फ्लो करेगा? वो तो जो हमने पढ़ा रेस्ट वाली कंडीशन पढ़ा, कौन सी कंडीशन? रेस्ट वाली कंडीशन। यहाँ भी रेस्ट पढ़ेंगे, स्टैटिक कंडीशन। लेकिन अगर बात की जाए, अगर चार्ज को मोशन में लाना है चार्ज को, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो याद रखना, पोटेंशियल जो वर्ड है ये चार्ज के फ्लो होने का जो डायरेक्शन है उसको डिसाइड करता है। चार्ज के फ्लो होने का डायरेक्शन, उसको कौन डिसाइड करेगा? पोटेंशियल। तो जैसे हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होता है, पानी का फ्लो ऊंचाई से गहराई, मतलब हाइट से डेप्थ की ओर होता है,
ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसाइड करता है चार्ज के फ्लो को। मतलब जो चार्ज हम मानते हैं वो पॉजिटिव मान चलेंगे, क्या मान चलेंगे? पॉजिटिव। तो चार्ज जब भी बात होगी पॉजिटिव ही हम लोग सेंस में लाते हैं। तो चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल, कहाँ से? हायर पोटेंशियल से किधर? लो यानी लोअर पोटेंशियल की तरफ। किधर? लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये क्या डिसाइड करता है? चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन। कौन डिसाइड करता है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल है क्या एक्चुअल में? एक लेवल है। क्या है? एक लेवल है। जैसे कि ये लेवल था, ये लेवल था, इसका भी अपना एक लेवल था, हाई टेम्परेचर का लेवल। ये इसका हाइट ज़्यादा था, इसका लेवल ज़्यादा है, है ना भाई? हाई टेम्परेचर का है तो हाई लेवल है ना, और इसकी हाइट ज़्यादा है तो हाई लेवल है। हाई पोटेंशियल है तो हाई लेवल है, लो पोटेंशियल है तो लो लेवल है। अब समझ में आया ना पोटेंशियल क्या है? तो पोटेंशियल एक लेवल है, पोटेंशियल को हम डिफाइंड नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये किसका लेवल है, कहाँ का लेवल है? तो मैं बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के ईच पॉइंट्स का एक क्या है? लेवल है, ठीक है ना? और इस लेवल को NCERT में कहा गया है करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। क्या कहा गया है? हाँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो डेफिनेशन में ही हम लोग लिखेंगे क्या, हेडिंग लगा दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हेडिंग क्या लगा दीजिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसे हम डिफाइन करेंगे, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, विच डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना? ये क्या आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यही है डिफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे नोट करिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना? अब डिफाइन करने के लिए तो कुछ भी लोग कैसा भी डिफिनेशन बना के दे देंगे, है ना? कुछ लोग डिफाइन करते हैं द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ अ यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना, फ्रॉम इनफिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, है ना? तो ये डेफिनेशन सही है, गलत नहीं है, लेकिन रियलिटी डिफिनेशन ये नहीं है, ये डिफाइन है ही नहीं, है ना? तो डिफाइन हम कैसे करेंगे? कुछ इस तरह से, ठीक है ना? ये डिफाइंड हो ही नहीं सकता, लेकिन हम लोग एक्सपीरियंस के आधार पर प्रैक्टिकली देख करके हम ये बता सकते हैं कि पोटेंशियल क्या है। तो पोटेंशियल एक लेवल है और कुछ नहीं है, बस, ठीक है ना? और NCERT कहता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिसाइड करेगा फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब किस डायरेक्शन में ये फ्लो करेगा उसको डिसाइड करेगा। क्लियर? इसे हम डिनोट करते हैं V से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाई V। कैसे नोट करते हैं? V से। क्लियर है? और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके।
करेंगे फील कैसे आएगा इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, है ना। देखिए यह है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कोई चार्ज है यहां पे प्लस क्यू, ये सोर्स चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, ठीक है ना, क्लियर। अगर कोई हम कहें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर बताइए पोटेंशियल, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है, और हमने आपको बता दिया मान लो कि यहाँ का पोटेंशियल वी ए है और यहाँ का पोटेंशियल वी बी है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। तो इस ए और बी की पोटेंशियल में कौन पोटेंशियल, मतलब किसका लेवल ज़्यादा है, आप क्या बताओगे, कहोगे ए का पोटेंशियल ज्यादा है बी के पोटेंशियल से, कहोगे क्यों, कैसे। अगर मैं टेस्ट चार्ज यहां पे रखूं क्यू नॉट, तो बहुत ज्यादा ये फोर्स से क्या होगा, रिपेल होगा, बोलो सही बात है। अगर यहां पे रखें तो उसकी कंपेयर में कम फोर्स से रिपेल होगा, सही बात है। तो इसी से हम लोग बता देते हैं कि यहां का लेवल ज्यादा है और यहाँ का लेवल कम है, तो इसी लेवल को हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे। अब समझा गया पोटेंशियल, कोई कंफ्यूजन, क्लियर, ओके। तो अब बताओ यहाँ और यहाँ के बीच पोटेंशियल में डिफरेंस है कि नहीं है, है ना। तो अब इसी से हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। अगर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को मैं यहाँ से बी से ए तक लाऊं, क्या हमें B से A तक लाने में वर्क करना पड़ेगा, कहोगे यस, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो हमें यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क इस रिपल्सन की अगेंस्ट। वो वर्क डन कितना है, वही दोनों के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो सिर्फ वर्क डन नहीं, वर्क डन का रेट बताएंगे, क्या बताएंगे, रेट। मतलब रेट क्या है, अगर यहां हम कह रहे हैं कि 10 कूलम्ब का चार्ज है, कितने कूलम्ब का, 10 कूलम्ब के चार्ज को बी से ए तक ला रहे हैं, तो कितना वर्क हो रहा है, मान लो 100 जूल, कितना हो रहा है 100 जूल। तो एक कूलम्ब चार्ज को बी से ए तक लाने में जो वर्क डन होगा वो रेट हो जाएगा इसका। तो वही रेट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, समझ में आया। तो अब बताइए एग्जांपल समझ में आ गया ना, 100 जूल क्या है, 10 कूलम को लाने में है, तो एक कूलम को लाने में 10 जूल, तो ये 10 जूल पर कूलम क्या है, वो रेट है, यहां से यहां तक लाने में वर्क डन का रेट, और वही रेट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, बोलो समझ में आया। तो इसी में हम लिखेंगे क्या, डिफरेंस इन पोटेंशियल, डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, समझ में आया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस पीडी क्या लिखेंगे, अगर दो पॉइंट्स ए और बी है तो वी ए माइनस वी बी, और ये वी ए माइनस वी बी हो जाएगा वर्क डन का रेट, मतलब चार्ज ला रहे हैं तो चार्ज से क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज से डिवाइड कर देंगे, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्चुअल में कौन डिफाइन है, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को। तो पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है, क्लियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस का हेल्प लेकर, पोटेंशियल डिफरेंस का हेल्प लेकर के इस फार्मूले को लेकर के हम पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल, अगर इसे डिफाइन करना है तो हम इससे डिफाइन अब कर लेंगे।
तो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही डिफाइंड होता है, ठीक है ना। और जिसे हम लोग कहते हैं वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहते हैं, कहते हैं ना हाई वोल्टेज की लाइट आ रही है, तो वो वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हमारे घरों में क्या आती है, 220 वोल्ट की लाइट आती है ना, तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। नोट कर लीजिए डायग्राम बना करके, वीडियो पॉज करके। तो पोटेंशियल को डिफाइन करना है, ए का पोटेंशियल अगर आपको बताना है कि ए के पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या होगा, तो इस पॉइंट को कहाँ मान लो, मालूम है, इनफिनिटी पर मान लो। कहाँ मान लो, इनफिनिटी। इनफिनिटी के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर। मान लो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है, सिर्फ यहीं तक है, क्लियर। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है, ठीक है ना, और यहाँ क्या है, इनफिनिटी है, क्या है, तो जब हम पॉइंट बी यहाँ लेट कर लेंगे, क्यू नॉट यहाँ अगर रखेंगे, तो क्या ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो जब इनफिनिटी पर रख देंगे पॉइंट बी को, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल नहीं कर पाएगा, तो पॉइंट बी का लेवल नहीं होगा। आप यही कहोगे ना भाई, जिसको जब रिपेल नहीं कर पा रहा है तो लेवल क्या है वहाँ का, जीरो है, और जब तक रिपेल कर रहा है तो क्या है, लेवल कुछ है कि नहीं। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या मानेंगे, तो याद रखना इनफिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। यहाँ वी क्या लेंगे, जीरो, मतलब अगर पॉइंट बी हम इनफिनिटी मानते हैं तो वी भी क्या ले लेंगे इसमें, जीरो। तो वी ए माइनस जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, है ना। लिखे इफ पॉइंट बी इज प्लेस्ड एट इनफिनिटी, कहाँ पे हो, इनफिनिटी, देन वी बी इज इक्वल टू जीरो, वी बी इज इक्वल टू जीरो। सो बाई इक्वेशन फर्स्ट वी ए माइनस जीरो डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, मतलब फाइनली वी ए कितना जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए का जो फार्मूला बना, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। अब इस वाले फार्मूले से आप क्या कर सकते हो, पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हो, है ना। तो सिर्फ अब एक ही पॉइंट बचा, तो एक पॉइंट मतलब ये पोटेंशियल को आप डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ का पोटेंशियल कैसे डिफाइन होगा, इस फार्मूले से, ठीक है ना। तो ये चार्ज कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक आ रहा है, बोलो आ रहा है ना। तो जो लाने में वर्क डन होगा उसका रेट इस पॉइंट का क्या होगा, पोटेंशियल, क्लियर। अब इस क्यू नॉट को हम रेट अगर निकालना है तो क्या लेंगे, वन मानेंगे, यही मानेंगे ना। जैसे आप मान चलो आप मार्केट गए हो और सेब दिखाई पड़ रहा है, 10 किलो सेब कोई मान लो बुढ़ा आदमी बेच रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, उससे रेट पूछते हैं ना कि 10 किलो हम सेब उठा लेंगे उसका, बोलो। मान लो आपको 5 किलो सेब खरीदना है, तो क्या करते हैं आप लोग, पहले रेट पूछते हैं ना कि 1 केजी का प्राइस क्या है। मान लो उसने बताया 200 रुपीज़ पर केजी है, तो आपने 5 केजी के दाम उसको दे देंगे 1000 रुपीज़। ऐसे ही चार्ज को लाना है तो हम 1 कूलम की बात करेंगे, कितने कूलम की, अगर 1 कूलम को चार्ज को लाने में यहाँ तक जो वर्क डन होता है, तो ये क्या है, वर्क डन का रेट है, चार्ज को लाने का रेट है, क्लियर। तो अब 1 कूलम को अगर हम निकाल लेंगे रेट, तो वही रेट क्या बताएगा, इसका पोटेंशियल बताएगा, क्लियर। अब रियल लाइफ से आपने तुलना कर लिया ना, समझ में आ गया, फील आ गया। देखो सेब आप खरीदने गए, मानिए आपने प्राइस पूछा 200 रुपीज़ पर केजी, मान लो हम ही बेच रहे हैं, है ना, 200 रुपीज़ पर केजी हम सेब बेच रहे हैं, आपने मुझसे पूछा और मैंने बताया, तो ये 200 रुपीज़ पर केजी क्या है, सेब का लेवल है, सेब का दाम है, समझ में आया ना। 200 रुपीज़ पर केजी क्या है, सेब का दाम है, सेब की कीमत है, सेब का लेवल है, सेब का पोटेंशियल है। अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है भाई, सेब की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, नहीं खा सकते,
है ना। तो पोटेंशियल बता रहे हैं आप, पोटेंशियल का मतलब एक लेवल होता है, क्लियर। ऐसे ही 1 कूलम चार्ज को लाने में वर्क डन होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि फोर्स आपको रिपेल कर रहा है ना। जो रिपेल कर रहा है तो आप क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे। तो वर्क होगा, वो वर्क कितना होगा, उसका रेट क्या है, चार्ज को लाने में जो वर्क डन कर रहे हैं उसका रेट ही उस लेवल का क्या करता है, पोटेंशियल को डिफाइन करता है, क्लियर। मतलब अगर 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाना है तो कितना काम करना पड़ेगा आपको, कितना वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क इस पॉइंट क्या होगा, पोटेंशियल, इसका लेवल होगा। जब 1 कूलम का आप बता दोगे, अगर मैं पूछूँ 100 कूलम कितना होगा, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे वर्क डन में, है ना। तो जितना आपको चार्ज लाना होगा उतना आप वर्क डन निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। बोलो, फील आ गया अच्छे से। तो यही है पोटेंशियल। तो क्या लिखेंगे, इफ यहां पे, इफ क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम्ब बाय इक्वेशन सेकेंड। अश्विनी आपको आया, क्लियर हुआ। बाय इक्वेशन सेकेंड पोटेंशियल एट ए वी ए इक्वल टू डब्ल्यू, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। हेंस अब यहां से इसका स्टेटमेंट दे देंगे, कितना फिजिक्स आसान है ना। जब तक रियल लाइफ से ना जोड़िए तब तक फिजिक्स पढ़ने का मजा ही कुछ नहीं मिलता ना। फिजिक्स मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग, फिजिक्स मतलब बाहरी चीजों को बताना। फिजिक्स बाहर की बात बताती है, केमिस्ट्री अंदर की बात बताती है, बायोलॉजी और भी अंदर की बात, समझ में आया। यही है फिजिक्स, क्लियर। तो आप हेंस करके डिफिनीशन क्या नोट करेंगे, हेंस करके जल्दी बैठ जाइए सब लोग। क्या लिखेंगे, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, क्लियर। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, क्लियर। तो यही है पोटेंशियल का डेफिनेशन, नोट कर लीजिए वीडियो स्टॉप करके। तो ये था पोटेंशियल का डेफिनेशन। अब इसकी क्या सीखेंगे हम लोग, SI यूनिट, ठीक है ना। इरेज कर दें, ओके। तो आप लोग क्या SI यूनिट निकाल सकती हो, पोटेंशियल की SI यूनिट क्या होगी। गुड। तो SI यूनिट ऑफ, अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो वर्क की SI यूनिट अपॉन चार्ज की SI यूनिट, है ना। तो SI नोट कर लीजिए, यूनिट ऑफ V मतलब पोटेंशियल, जूल अपॉन कूलम्ब, और जूल अपॉन कूलम्ब को हम लोग कहते हैं वोल्ट, क्या कहते हैं, वोल्ट। और वोल्ट को वी से डिनोट करेंगे, तो 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम्ब, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब। और यहां से 1 वोल्ट को हम डिफाइन कर लेंगे, इफ वर्क डन इज 1 जूल इन ब्रिंगिंग ऑफ अ चार्ज 1 कूलम्ब देन द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। अगर 1 जूल वर्क हो रहा है
वन कूलम चार्ज को लाने में, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? वन वोल्ट। क्लियर? अगर आपको वन वोल्ट डिफाइन करने के लिए पूछे आपसे, वन वोल्ट को डिफाइन कीजिए, तो क्या डिफाइन कर लेंगे ना? इसको लिखाने की जरूरत नहीं है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, डायमेंशनल निकालना चाहे तो निकाल सकते हो बेटा, यहाँ से निकाल लो डायमेंशन। कभी कभी जेई मेन से या नीट में पूछ लेता है डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, तो वर्क का डायमेंशन निकालेंगे और चार्ज का। वर्क का होता है बेटा एम एल टू टी माइनस टू अपॉन, चार्ज का होता है ए टी, पढ़ा है ना? अब क्या करेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला बन जाता है, नोट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है और डायमेंशनल फार्मूला तो कभी पीछा नहीं छोड़ता है ना। आप जितने नए नए फार्मूले सीखोगे उतने नए नए डायमेंशनल फार्मूले बनते चले जाएंगे, यही है। तो पोटेंशियल का मेन फार्मूला आप याद रखेंगे W बाई क्यू नॉट, ठीक है ना? क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है जो हम एक्सपेरिमेंट के लिए लेते हैं, मतलब जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? टेस्ट चार्ज। क्लियर? ओके, तो अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया आपका, ठीक है? इसके अदर यूनिट्स मिली वोल्ट और माइक्रो वोल्ट भी होते हैं। वन मिली वोल्ट कितना वोल्ट होगा? 10^-3 वोल्ट। वन माइक्रो वोल्ट -6, ठीक है? तो ये आप सबको लर्न है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, है ना? ओके, तो अब हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो बहुत ही ज़रूरी है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा ये सीखना है। जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है फार्मूला? के क्यू बाई आर स्क्वायर, पढ़ा था ना? तो इसमें होगा के क्यू बाई आर, क्या होगा? के क्यू बाई आर, और इसका डेरिवेशन करना है, ठीक है ना? डेरिवेशन के साथ में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो जैसे कि पोटेंशियल हम निकालना है हमको, तो एक पॉइंट चार्ज लेंगे, सपोज करेंगे, लेट करेंगे, उसके सराउंडिंग उसकी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और उसी फील्ड में एक पॉइंट लेंगे पी, है ना? तो इसमें लिखिए सपोज अ सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज, अ पॉइंट चार्ज क्यू प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ओ, एट अ पॉइंट ओ, हेड डाल दिए ना आप लोग, हेडिंग पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यही हेडिंग था। तो हमने हेडिंग मेंशन नहीं किया है, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है ना? डायरेक्ट लिखना नहीं, उसके बाद आप लोग लिखेंगे सपोज अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, लेट लेट अ पॉइंट पी, पॉइंट पी इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर, एट डिस्टेंस आर, क्लियर? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू, ठीक है? जो पॉइंट पी है ये कहाँ पे है? इस चार्ज के जो सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी फील्ड में ये पॉइंट पी है, ठीक है? अब उसी फील्ड में है
तो मैं इस पॉइंट पर क्या करूँगा, पोटेंशियल कैलकुलेट करूँगा, ठीक है ना। अब ओ से पी तक डिस्टेंस आर है, अब इन्फिनिटी अगर जो हम मानेंगे, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, क्लियर है ना। मतलब इन्फिनिटी से जब आगे बढ़ेंगे कहाँ तक आएंगे, पी तक, तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मान लेते हैं इन्फिनिटी कहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पोटेंशियल क्या है, जीरो। टेस्ट चार्ज यहाँ से चलेगा धीरे धीरे घूमते टहलते, है ना, रास्ते में पार्टी शार्टी करते हुए पी तक पहुँचेगा, है ना। तो कुछ वर्क करेगा, कुछ एनर्जी वेस्ट करेगा, है ना। तो पी से हम इन्फिनिटी तक को छोटे छोटे पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। जैसे हमने कहा 1000 किलोमीटर है, तो आप उसे क्या किए, 5-5 किलोमीटर में डिवाइड कर दिए, 10-10 किलोमीटर में डिवाइड कर दिए, है ना। तो ये बहुत दूर है इन्फिनिटी, और उसको मैंने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट यहाँ पे है, यहाँ से ये चलेगा आगे बढ़ते, हर एक पॉइंट पर आएगा तो वर्क होगा, है ना। मान लो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुका है। अब इन्फिनिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, क्लियर। यहाँ से इंटर्स किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, कुछ वर्क हुआ, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा तो कुछ वर्क होगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा तब भी वर्क होगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा तब भी वर्क होगा। ऐसे ही लगातार ये जितने पॉइंट्स पर बढ़ेगा वर्क होगा। क्यों वर्क होगा, क्योंकि ये वाला चुपचाप थोड़ी बैठेगा, प्लस क्यों, वो अगर आएगा, ये गुंडा इस छोटे वाले गुंडे को बर्दाश्त थोड़ी करेगा कि हमारे फील्ड में आकर के कोई इसके साथ क्या करे, गुंडाई करे या अपना जगह बनाए, है ना, इसके रहते में। तो ये अपने फील्ड में इसको घुसने नहीं देगा, तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, भगाएगा। तो उसी के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। वो जितना फोर्स लगाएगा उसी के अगेंस्ट हमें चलना है, क्लियर। तो वही वर्क डन आपको करना पड़ेगा, यहां से लेकर के पी तक वर्क करना पड़ेगा, क्लियर। अब छोटा छोटा वर्क अगर निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब इतना लंबा प्रोसेस से अगर बचना है तो किसी भी दो पॉइंट्स का क्या, कोई भी रैंडमली दो पॉइंट कहीं पर भी ले लीजिए और वहां का वर्क डन निकाल लीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए अंडर लिमिट। लिमिट में क्या लेंगे, ये डिस्टेंस कहां से, इन्फिनिटी पे था ना, कहां तक आएगा, आर डिस्टेंस तक आएगा, समझ आ गया ना। तो पहले हम लिखेंगे यहां पे दो पॉइंट्स लेंगे, बहुत ही नजदीक है पॉइंट, एक है पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है डी एक्स, और ओ से ए का डिस्टेंस या बी तक का डिस्टेंस कितना है एक्स है। अगर ओ से बी तक एक्स है तो ए तक भी एक्स ही होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल ओ और ए नजदीक हैं, है ना। तो जो फोर्स यहां पर एक्सपीरियंस होगा वही यहां पर भी एक्सपीरियंस होगा, लगभग लगभग, है ना। तो अगर मैं क्यू नॉट को यहां से ए तक लाऊं, यहां से ए, यहां ए तक, तो ये क्या कर रहा होगा, इस समय यहां पे इसको रिपेल कर रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ से, क्लियर। उसके अगेंस्ट कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं हम, इतना डिस्प्लेस इसको करा रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं बी से ए तक, कितना डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स, बोलो है कि नहीं है। तो ये वर्क डन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, वर्क डन नेगेटिव होगा, है ना। इस फोर्स की अगर हम बात करें, अगेंस्ट करें, तो वर्क डन क्या होगा, जैसे फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव, है ना। तो जो डी डब्ल्यू होगा वर्क डन, वो वेक्टर एफ डॉट डी एक्स इससे निकाल लेंगे, बोलो 11th क्लास पढ़ा था ना, इक्वल करेंगे तो एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री होगा, बोलो इसके इसके बीच कितना एंगल बन रहा है 180, तो वर्क डन कितना आएगा माइनस एफ डी एक्स, इक्वेशन नंबर वन। इस फोर्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस चार्ज और इस चार्ज के बीच बी पर, तो फोर्स होगा किसके लॉ से,
यूजिंग कौन सा लॉ पढ़ा है ना कि भूल गए सब, शादी पार्टी में सब भूल गए, कूलम्स लॉ, एफ इज इक्वल टू, अरे कूलम बाबा वाला है ना, के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, क्लियर। इस फोर्स की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड वर्क डन जो आएगा बी से ए तक माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहां से यहां तक वर्क डन देख लो इतना ही आएगा, कितना आएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट ना बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया, इतना वर्क आएगा बी से लेकर ए तक। ऐसे छोटा छोटा वर्क निकालोगे, सबको ऐड करोगे तो टोटल वर्क मिलेगा पी तक, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। क्या करेंगे इसी छोटे से वर्क डन का, क्या कर दें हम इंटीग्रेट कर देते हैं अंडर लिमिट, किसके लिए टोटल वर्क डन के लिए है ना। तो फॉर टोटल वर्क डन, अच्छा तो W इज इक्वल टू क्या मिलेगा इंटीग्रेशन F, F नहीं है गलत है, माइनस बोल नहीं सकते Q Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर, सर गलत लिख रहे हो बोल नहीं सकते हैं, dx कहाँ से कहाँ तक इन्फिनिटी से R तक, हमको R तक ही लाना है ना कि कहीं और भी जाना है, बस वहीं तक लाके रोक देना है, तो इनफिनिटी चलेगा इनिशियल हो जाएगा और फाइनल हमारा आर हो जाएगा। अब क्या रखा है तो धुआं धुआं कर दो इसको, उड़ा दो, इंटीग्रेशन करना है, मेन कॉन्सेप्ट यही था, उड़ा दो है ना। तो माइनस के क्यू क्यू नॉट ये लग रहा है कांस्टेंट है, बाहर कर लेना लग रहा है ना क्यू क्यू नॉट, किसी को तो लग नहीं रहा कि वेरिएबल है, इसको ऊपर भेज देंगे, यहाँ क्या कर रहा है ना माइनस टू, अब ये तो आता होगा एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, ये आर है गामा मत समझना, आर है ना क्यू क्यू नॉट है ना, यहाँ आएगा एक्स पावर माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन, लिमिट लगेगा वेरिएबल वाले पर, कांस्टेंट पर लिमिट नहीं लगता, इन्फिनिटी से आर, ये माइनस वन बचेगा, माइनस माइनस क्या कर देगा कैंसिल खत्म हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट एक्स पावर माइनस वन बचेगा इन्फिनिटी से आर। अब क्या करें, अब इसको वन बाई एक्स लिख सकते हैं, इसको 1 बाई एक्स लिख सकते हो, के क्यू क्यू नॉट 1 बाई एक्स इन्फिनिटी आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 बाई आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, और कोई भी चीज अपॉन इन्फिनिटी याद रखना जीरो, हाथी अपॉन इन्फिनिटी जीरो, घोड़ा अपॉन इन्फिनिटी जीरो, कोई भी अपॉन इन्फिनिटी रहेगा जीरो, ध्यान रखना तो ये जीरो, तो क्या मिलेगा W इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाई आर, यही वर्क डन आएगा कहाँ से कहाँ तक इन्फिनिटी से पी तक। अब हमें चाहिए पोटेंशियल, तो पोटेंशियल मान लो कितना है V है, कितना मान लो V, तो V इज इक्वल टू क्या होता है W बाई क्यू नॉट, बोलो पढ़े हो भी ना, इसको बना दो बच्चा इक्वेशन नंबर थर्ड है ना, यही है बनेगा ना, इसको बना दो फोर्थ, तो बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ है ना, क्या आएगा पोटेंशियल के क्यू क्यू नॉट बाई आर बाई क्यू नॉट, ये देखो मर गया क्यू नॉट आ गया हमारा के क्यू बाई आर, देखो
खत्म कहानी। एक क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कितना सिंपल है ना, हलवा है बिल्कुल, खा जाओ। नया फार्मूला है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर वहाँ लिख दे 5Q तो यहाँ लिख दोगे 5Q, वहाँ लिखा रहा है 100Q तो यहाँ क्लियर है जीरो होता है। अभी जस्ट पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वीडियो को बैक करके देख लेना जब अपलोड होगा, तो पहले स्टॉप करके नोट करिए। तो ठीक है, V=KQ/R, ये आपका फार्मूला आ गया पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम इस साइड इरेज करेंगे और इससे कंक्लूजन निकालेंगे, कंक्लूजन है ना, निष्कर्ष। तो कंक्लूज क्या छाप लिए आप लोग, है ना, ओके। तो कंक्लूजन ये निकलता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, मतलब जो सोर्स चार्ज है ना क्यू, उसका मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो डायरेक्टली डिपेंड है चार्ज पे और इनवर्सली डिपेंड है डिस्टेंस पे, मतलब आप चार्ज से दूर जाओगे ना तो पोटेंशियल क्या होगा, घटता जाएगा। इन आर इंक्रीज होने पर वी डिक्रीज। बेटा इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्यों होता है मालूम है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से आप समझ सकते हो आर बढ़ेगा वी घटेगा, तो घटेगा घटते घटते कब तक घटेगा, जब तक ये पोटेंशियल जीरो ना हो जाए। अब समझा गया ना, अब जब आप इन्फिनिटी पहुँच जाओगे तो डिस्टेंस क्या हो गया इन्फिनिटी, और 1/∞ क्या होगा जीरो, आ गया ना। फिर तो दूर जाने पर पोटेंशियल क्या होता है, घट जाता है, और घटते घटते इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो। अब यहाँ से एक ग्राफ बना सकती हूँ, ग्राफ वी और आर के बीच, इधर लिया डिस्टेंस आर, यहाँ लिया पोटेंशियल वी, यह है ओरिजिन ओ, ग्राफ ये हो जाएगा आपका, क्लियर। ये ग्राफ होगा V प्रोपोर्शनल टू 1/R का ग्राफ, बना लीजिए इसको भी नोट कर लीजिए। और मैं उस साइड इरेज कर रहा हूँ, और इसमें हम सीखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल मतलब कई चार्ज अगर हों, है ना। अभी तो सिंगल चार्ज लिए थे, इकलौता चार्ज था अकेला, है ना, अब कई चार्ज होंगे, कई गुंडे, है ना, एक से बढ़कर एक, है ना। तो हेडिंग क्या बनेगा, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, सब के लिए वैलिड है ये फार्मूला, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सभी के लिए वैलिड है। हाँ, साइन के साथ रखना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना, क्लियर। चार्ज को साइन के साथ ही पुट करना होगा, इसी में हम आपको दिखा दे रहे हैं अभी, ठीक है। मान लो ये है एक पॉइंट ओ, हमें यहाँ पर निकालना है पोटेंशियल, एक चार्ज यहाँ है ए पर प्लस क्यू वन, ये इससे आर वन डिस्टेंस पे है, एक पॉइंट बी है यहाँ पे, ये आर टू डिस्टेंस पे है प्लस क्यू टू, और ये है सी पर माइनस क्यू थ्री, चार्ज आर थ्री डिस्टेंस है, डॉट डॉट डॉट। ऐसे मान लो एनथ चार्ज यहाँ पे है क्यू एन, ये डिस्टेंस क्या है आर एन है, तो ओ पर पोटेंशियल कितना होगा, है ना। तो पहले क्या काम करेंगे, इसके कारण पोटेंशियल यहाँ निकालेंगे ओ पर, इसके कारण पोटेंशियल निकालेंगे, इसके कारण पोटेंशियल निकालेंगे, जितने भी हैं डॉट डॉट करके, और इसके कारण पोटेंशियल निकाल के ऐड कर देंगे। तो यहाँ मल्टीपल एन चार्ज है, कितने चार्ज हैं एन, तो नेट पोटेंशियल निकालेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस VN,
अब वी वन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही फार्मूला के क्यू वन बाई आर वन के क्यू टू बाई माइनस में यहाँ लगा देंगे माइनस के क्यू थ्री बाई आर थ्री डॉट डॉट प्लस के क्यू एन बाई आर एन के कॉमन ले लेंगे, नेट पोटेंशियल आपका आ जाएगा क्यू वन बाई आर वन प्लस क्यू टू बाई आर टू माइनस क्यू थ्री बाई आर थ्री प्लस डॉट डॉट क्यू एन बाई आर एन। तो यही है पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। आप लोग इसे वीडियो स्टॉप करके नोट करिए, फिगर ड्रॉ करिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे। मुझे लग रहा है कि आप लोग सब छाप लिए होंगे, है ना। तो करते हैं इरेज और चलते हैं नए टॉपिक की तरफ, है ना। तो न्यू टॉपिक बनेगा इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसा कि आपने इसके पहले वाले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल लाइन और इक्वाटोरियल लाइन। लेकिन यहाँ भी एक्सियल और इक्वाटोरियल पढ़ेंगे तो, लेकिन यहाँ पे ये है, क्या लेकिन है, एक्सियल लाइन और इक्वाटोरियल लाइन का सेपरेटली हेडिंग नहीं बनाएंगे हम, किसी जनरल पॉइंट पर निकालेंगे, है ना। ना तो वो एक्सियल लाइन में रहेगा और ना ही इक्वाटोरियल लाइन में रहेगा। एक ऐसा पॉइंट चूज करेंगे, ना तो वह एक्सियल लाइन में होगा और ना ही इक्वाटोरियल लाइन में होगा। तो ऐसे पॉइंट को कहेंगे एट सम जनरल पॉइंट। उस पर निकालने के बाद हम उसी फार्मूले से एक्सियल लाइन और इक्वाटोरियल लाइन कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में यही ज़्यादातर पूछा जाता है एट सम जनरल पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट, आगे लगा दिए एट सम जनरल पॉइंट, सम जनरल पॉइंट। देखो ये आपका प्यारा सा डाइपोल है, बढ़िया सा खूबसूरत सा डाइपोल ए बी बन गया ना। ए पर कौन सा चार्ज हम लोग लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ले सकते, तुम्हारी मर्जी। लेकिन हमारी मर्जी क्या है, यहाँ नेगेटिव लेंगे, है ना। यहाँ नेगेटिव लिया माइनस क्यू और ई रहा यहाँ पे प्लस क्यू, ठीक है। इसकी लेंथ कितना मानते हो बेटा, 2L मानते हो, कितना मानते हो। तो इसके मिड पॉइंट्स से अगर हम लेंथ को मेजर करें अलग अलग तो क्या होगा, तो आपका ये हो जाएगा L और ये भी L, क्लियर है। लो यहाँ है एक जनरल पॉइंट, ये लो वहां पे कहाँ है, देखो ये पॉइंट है, ये ना तो एक्सियल लाइन में है और ना तो, हमने कहा चलो यही निकालो पोटेंशियल। अब कहे हैं सर ना तो एक्सियल में ना इक्वाटोरियल में, हमें तो वही सीखा है हमने पहले चैप्टर में, है ना। अब दिमाग खराब होने लगा देख करके। तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सी, क्या कहते हैं सी। और जो इसका डिस्टेंस लेंगे ना वो कहाँ से लेंगे, मिड पॉइंट से, हमेशा मिड पॉइंट से लेते थे क्योंकि डाइपोल बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, जूम करके ऐसे बड़ा करके, है ना, हाँ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखा रहा हूँ किसी इंस्ट्रूमेंट से। तो ये डिस्टेंस आपको दिया कितना, ये डिस्टेंस हमने मान लिया कितना है, आर है, कितना डिस्टेंस है आर। देखो ध्यान से, क्या लाइन टेढ़ी तो नहीं है बेटा, टेढ़ी नहीं है ना,
मान लो सीधी है, किसी मान सकते हैं ना, ठीक है, बिना स्केल के बनाए हैं हाथ से, तो आर्टिस्ट तो है ना हम, है ना, अच्छे आर्टिस्ट हैं, बिना स्केल के बना दे रहे हैं। अब ये डिस्टेंस आर है, आपको पता है इसका डाइपोल मोमेंट होता है, सबको पता है, तो मुझे ही पता होगा, उसका डायरेक्शन किधर किधर होता है, नेगेटिव से, तो इसका डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन में बोलो है, और इससे जो ओसी का पोजीशन वेक्टर है ये एंगल बना रहा है थीटा। तो आपको क्वेश्चन देगा क्या कि जो पॉइंट है जहां पे निकालना है उसका कोऑर्डिनेट देगा आर कॉमा थीटा करके, है ना। तो अब कैसे निकालेंगे पोटेंशियल यहां पे, तो आप कहोगे पहले इसके कारण पोटेंशियल निकालेंगे, उसके बाद इसके कारण निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बस यही तो करना है, चलो कर देते हैं। लेकिन जो कर तो दोगे, एक मामला फंस रहा है, मामला ये फंस रहा है कि यहां से यहां तक डिस्टेंस नहीं पता है। हाँ, अब क्या करोगे सोचो। चलो मान लेते हैं क्या है, एसी है, ये तो मान सकते हैं ना, तो इसको ऐसे दिखा दो, एसी एसी चल रही है ना, रुक जाओ थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है, लो एसी आ गया ना, ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, बाद में निकालना, अभी एसी मान लो, और ये डिस्टेंस कितना होगा, कहोगे बीसी होगा। अच्छा चलो हटाओ, एसी बीसी खराब लग रहा है, इसको आर वन कह दो और इसे आर टू कह दो, अब तो अच्छा लग रहा है ना, अच्छा है, बहुत बढ़िया, यही उम्मीद थी। हाँ? अब लिखेंगे क्या, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट सी, वी वन इज इक्वल टू के माइनस क्यू बाई क्या होता है आर, यानी आर वन, एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट सी वी टू के क्यू बाई आर टू, सो नेट पोटेंशियल विल बी क्या होगा, V net is equal to V1 plus V2, है ना, इसे V ही कहो, हटाओ V कहो, इक्वेशन नंबर बना दो फर्स्ट, इसमें V1 V2 की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 इन इक्वेशन फर्स्ट, V इज इक्वल टू K माइनस क्यू बाई आर वन के क्यू बाई आर टू, देखो ये माइनस यहाँ पर है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको यहाँ लगा देते हैं, और ये भी नहीं अच्छा लगेगा, इसको पहले कर दो, इसको बाद में कर देते हैं, है ना, और V इज इक्वल टू K क्यू बाई आर टू माइनस के क्यू बाई आर वन, कुछ ठीक हुआ, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, के क्यू कॉमन ले लेते हैं, के क्यू वन बाई आर टू माइनस वन बाई आर वन, अब भी कम सही लग रहा है, एलसीएम ले लो, वी के क्यू आर वन आर टू, आर टू माइनस आर वन, ये अच्छा लग रहा है, इक्वेशन नंबर थर्ड है ना,
अब R1 R2 मिल जाए, हमारा काम बन जाए। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, तो यहां तक आपको कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं? तो V इक्वल टू के क्यू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2। अब करना क्या है, ये R1 कैलकुलेट करना है और ये R2 कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री का खेल खेलेंगे, है ना। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे यहां से पीछे की तरफ, पीछे, और यहां इस पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे यहां से 90 डिग्री। इस पॉइंट को मान लेंगे हम डी। क्या मान लेंगे? अब जरा ये सोचो, ये थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा नहीं होगा? बोलो, होगा। और एक नॉर्मल यहां से ड्रॉ कर दें ऐसे यहां पे, तो इस पॉइंट को हम ई कह देते हैं। कोई कंफ्यूजन? अब करना क्या है हमें R1 निकालने के लिए? अब ध्यान दो, डाइपोल जो लेंथ है 2L वो बहुत ही छोटा होता है, है ना। और जो मिड पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस बात करें सी तक, जो जब लाइन ये पास करा DC, ये DC और AC ये क्या होंगे? अप्रॉक्सीमेट पैरेलल होंगे। और ये हमारा AD एक आर्क की तरह काम कर बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करेगा? आर्क। जो सेंटर नहीं होता, सेंटर पे कोई आर्क जो एंगल बनाता है ना, तो वो जो सी है वो सेंटर तरफ बिहेव करेगा। ये क्या करेगा हमारा AD आर्क की तरह बिहेव करेगा। और AC और DC रेडियस होंगे। मतलब हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये AC और DC करीब करीब क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ ए जो DC है, AC अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा? DC, क्लियर। और जो ये BE है, ये जो नॉर्मल ड्रॉ किए, इससे क्या हुआ, हमें ई से सी तक और बी से सी तक ये जो डिस्टेंस है EC और BC ये करीब करीब क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, BC अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू AC, क्लियर। ये चीज़ हम कंक्लूजन निकाल लिए हैं। तो ज्योमेट्री में आप इतना थोड़ा सा क्या करिए, एक्सटेंड कर लीजिए और ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हमें DC कैलकुलेट करना है और EC कैलकुलेट करना है, क्लियर है ना। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे और कुछ कंक्लूजन निकाल के बताएंगे कि डाइपोल के कारण कितना पोटेंशियल मिलेगा, क्लियर। तो आज की इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का फर्स्ट लेक्चर। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़िए। All the best. Thank you.